पिछली बार अच्छा वही फेस्टिवल सही में है, लैंडस्केप करवाए थे। लैंडस्केप करवाए थे। सिलेबस कुछ याद है? सिलेबस आप लोग सब पूछते जा रहे हैं, आप लोग बताते जाइए कहाँ कहाँ तक हुआ। लैंडस्केप आप लोग का हो गया 17 नंबर, यस सर, यस सर, यस सर, उसके ऊपर माउंट क्लाउड होगा, वो भी हो गया होगा। यस सर, चलिए जस्ट इसके नीचे आते हैं, फ्लावर लीफ स्टडी, फ्लावर यस, हो गया ना जून वाले बैच के जितने नो सारे, सर, नो फ्लावर नहीं हुआ सर, अभी है ना। फ्लावर नहीं हुआ है, फ्लावर अच्छा ठीक है, नहीं हुआ देख। है अभी। हाँ फ्लावर के बाद से आपका है प्लांट स्टडी, प्लांट के बाद है ट्री स्टडी, ट्री के बाद है आपका बर्ड स्टडी, फिर एनिमल स्टडी, फिर इंसेक्ट, फिर कंपोजिशन, फिर ग्राफ मेथड। तो अभी फिर से हम ट्राई करते हैं। अच्छा इसके पहले ऊपर जितने सारे सिलेबस हैं सबका हम नाम ले ले रहे हैं, आप लोग को याद भी आ जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से बताइएगा। सबसे पहला था हाउ टू होल्ड द पेंसिल एंड हाउ टू ड्रॉ, कैसे ड्राइंग करते हैं और कैसे पेंसिल को पकड़ते हैं, इसमें किसी को कन्फ्यूजन? नो सर, नो सर, दूसरा है लाइन ड्राइंग एज अ हॉरिजेंटल वर्टिकल ऑब्लिक मिरर वेबी जिगजैग क्रॉस एचर सर्कल कर्व पैरेलल स्पाइरल ब्रेक लाइन। तो बहुत सारे लाइन आपको शुरू में बताया गया था जिसमें 12 तरह के लाइन थे, उस लाइन में कोई समस्या समझने में, हॉरिजेंटल क्या है वर्टिकल क्या है? तीन नो सर, सर, नंबर में था ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपको याद होगा त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, घन होगा, घनाभ होगा, सर्कल होगा, ये सारे थे ना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में। यस और इसी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के हेल्प से बनते थे लेआउट, जैसे अगर आपको कोई फ्रूट्स बनाने हो और फ्रूट्स गोल है तो उसके लिए हमको सर्कल बनाने होते थे, स्फेयर बनाने होते थे और वो आसानी से बन जाता था। जैसे टेबल बनाने हैं तो टेबल बनाने के लिए क्यूब क्यूबॉइड बनाने होते थे और टेबल आराम से बन जाता था। इसमें कोई दिक्कत, नो सर, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप में कोई दिक्कत नहीं है, लेआउट समझने में कोई दिक्कत नहीं है? नो चलिए सर, आगे था, कुछ प्रैक्टिस वर्क थे जिसमें किचन ऑब्जेक्ट था, वेजिटेबल्स था, फ्रूट्स था, व्हीकल्स था, याद आ रहा है आप लोग को? यस सर, यस सर, यस सर, इसमें कोई समस्या? नो सर, चलिए जस्ट इसके आगे आएगा आपका 6 नंबर, जिसमें था शेडिंग, था शेडिंग के अंतर्गत आते थे टिंट और लाइट, फिर आता था हाईलाइट, फिर शेड, फिर कास्ट शेडो। इसमें होता क्या था कि टिंट जो था, टिंट को हम लोग हल्का कलर बोलते थे, हल्का यानी कि एक ही समुदाय के कलर जो हल्के हो जाए अपने पहले कलर से, जैसे रेड कलर है, रेड कलर में अगर व्हाइट मिला दे तो और हल्का हो जाएगा, पिंक की तरफ बन जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो पिंक क्या कहलाएगा? पिंक कहलाएगा अपने प्रीवियस कलर रेड का। दूसरा था लाइट, लाइट जिसको हम प्रकाश बोलते थे और लाइट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाता था। उसके बाद आता है हाईलाइट, हाईलाइट यानी चमक बोलते थे, चमक यानी किसी भी सरफेस पे डायरेक्ट जब लाइट पड़ता है तो उसका वास्तविक कलर ऑब्जेक्ट का नहीं दिखता है, सिर्फ लाइट का कलर दिखता है। अगर कोई लाल बत्ती है, लाल बत्ती का अगर हाईलाइट होगा तो वो रेड होगा, सूरज का अगर लाइट पड़ रहा है और किसी ऑब्जेक्ट पे तो वहां व्हाइट होगा। उसके बाद आता था शेड, शेड मतलब होता था छाया, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जो छाया रहता था वो शेड हो जाता था, और जो ऑब्जेक्ट के नीचे जो हो जाता था उसको बोलते थे कास्ट शेडो यानी प्रतिछाया। इसमें कोई दिक्कत 6 नंबर में? नो दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा, फिर से हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है?
अगर ये भी समस्या होगा तो इस क्लास का हम वीडियो भी भेज देंगे, दोबारा पर्टिकुलर वीडियो भेज देंगे शेडिंग का, अगर समस्या होगी तो। नहीं तो कोशिश ये करना है कि अपने माइंड में ही उसको फिट कर लेंगे, हमको पढ़ने की कभी जरूरत ही ना पड़े। और जब तक ड्राइंग में आप माइंड में फिट नहीं करेंगे, आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। चलिए, 7 नंबर आपका, जिसमें था स्ट्रोक था, टोन था, टेक्सचर था, कंट्रास्ट था, स्मजिंग था, स्क्रबिंग था, स्टिपल था और कॉम्बिंग था, आपको याद है? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? जस्ट आगे इसके आते हैं 8 नंबर में, तो उसमें आता है स्केचिंग। स्केचिंग के अंतर्गत आते हैं स्टील लाइफ और दूसरा आता है लाइफ स्टडी। स्टील लाइफ यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो स्थिर होते हैं, जिसमें किसी तरह का हरकत नहीं होता है, वो होता है स्टील लाइफ। अब स्टील लाइफ के अंतर्गत आते हैं स्फेयर आता है, बॉक्स आता है, मेटल ऑब्जेक्ट आते हैं, क्लॉथ आते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आते हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट स्टील लाइफ में आते हैं। लेकिन लाइफ स्टडी की बात करें तो लाइफ स्टडी में आएंगे आपके जीवित चीज, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये लाइफ स्टडी के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर में आता है लाइव स्पॉट ड्रॉइंग एंड ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग। लाइव स्पॉट ड्रॉइंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी टास्क नहीं मिलता है या फिर टास्क मिलता है या फिर जब भी आपको प्रैक्टिस करने हैं तो बस यही प्रैक्टिस करने हैं, लाइव स्पॉट ड्रॉइंग। लाइव स्पॉट ड्रॉइंग मतलब किसी को पता है? तो सामने जो ऑब्जेक्ट है लाइव बनाना। यस सर। हाँ, उसको देख करके। हाँ, उसको देख कर किसी भी ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम वही बनाना जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो उसको स्पॉटिंग बोलते हैं या लाइव स्पॉट ड्रॉइंग बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, यानी कि किसी बुक के माध्यम से या फिर किसी फोटोग्राफी के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट में टाइम लेकर बनाना, वो ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग के अंतर्गत आते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग के अंतर्गत लाइव स्पॉट ड्रॉइंग भी आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, किसी भी वस्तु का चित्र बनाना वस्तु चित्रण कहलाता है, ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग कहलाता है, तो उसके अंतर्गत लाइव स्पॉट ड्रॉइंग आ जाता है। लेकिन लाइव स्पॉट ड्रॉइंग को थोड़ा अलग इसलिए रखा गया है ताकि इसका महत्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। आपको जब भी बनाने होंगे लाइव स्पॉट ड्रॉइंग ही करेंगे, आपको किसी भी बुक से उतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना आप सामने ऑब्जेक्ट को रख के बनाएंगे, वो हेल्प करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत? चलिए, 10 नंबर जो हेवी लेसन एक आता है जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव देखिए, ये ड्राइंग का ऐसा पार्ट है जो कभी आपसे पीछा छोड़ेगा नहीं जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं। रियलिस्टिक जितना आप ड्राइंग देखेंगे सब में पर्सपेक्टिव होता है। कलर पर्सपेक्टिव दो तरीके का होते हैं, एक होता है कलर पर्सपेक्टिव और एक होता है जो रेखीय पर्सपेक्टिव हम इसको बोल सकते हैं, जो हम लोग जनरली स्केच में जो बनाते हैं। कलर पर्सपेक्टिव जब पेंटिंग करेंगे तब पता चलेगा। अब इसमें देखिए, पर्सपेक्टिव में तीन तरह का पर्सपेक्टिव, दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, आप लोगों को पता है? पर्सपेक्टिव में दो तरह का पर्सपेक्टिव होते हैं सर, एक एरियल पर्सपेक्टिव होता है, हाँ, और एक लीनियर पर्सपेक्टिव होता है। लीनियर, हाँ, वो जो पीडीएफ दिए हैं उसमें भी काफी स्पष्ट लिखा गया है, अगर बाकी लोग ध्यान नहीं दिए हैं तो फिर से उसको देखिएगा। लीनियर पर्सपेक्टिव में रेखा का महत्व होता है, जैसे किसी खास पॉइंट से ऐसा फील हो कि रेखा वहां से निकल रहा है किरण के जैसे, वो लीनियर पर्सपेक्टिव में आ जाता है। जैसे कोई आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा है और सड़क के दूसरे छोर की तरफ देख रहा है, तो उसका दाएं और बाएं का जो बिल्डिंग या दुकानें होंगी ऐसा फील होगा कि वह आपस में मिलने जा रही है, या फिर ट्रेन के पटरी पर कोई खड़ा हुआ है और ट्रेन की पटरियां जो है आपस में लयेंगी कि एक दूसरे को काट रही है या फिर एक पॉइंट पे जाके मिल रही। अगर ध्यान दे तो एक ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं या बहुत सारी रेखाएं एक पॉइंट पे मिल रही हैं।
उसको बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। अब लीनियर पर्सपेक्टिव में तीन चार पर्सपेक्टिव हो जाते हैं, जैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो एक ही पॉइंट पे रेखाएं मिलती हैं वो वन पॉइंट हो जाते हैं। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, किसी ऑब्जेक्ट का दोनों छोर हम देखते हैं कि एक एक पॉइंट बना रहा है, वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का तीन छोर बन रहा है और तीनों आपस में मतलब तीनों अलग अलग पॉइंट बना रहे हैं, वो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिस ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर अलग अलग पॉइंट बना रहे हैं, वो फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब इसके बाद भी और भी पॉइंट मिलते जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट मिलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट राउंड होते चला जाएगा। दूसरा होता है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव यानी कि हवा के माध्यम से किसी को देखते हैं, एरियल मतलब हवा, वायवीय पर्सपेक्टिव इसको बोलते हैं, वायवीय दृष्टिक्रम। हवा के माध्यम से यानी कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग पे हम चढ़ गए हैं और उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहे हैं, या बहुत ऊंचे बिल्डिंग से हम सामने अपने कोई नेचुरल सीन को देख रहे हैं, या फिर एरोप्लेन में है और एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो एरियल पर्सपेक्टिव होता है। एरियल पर्सपेक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि एरियल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हजारों करोड़ों लीनियर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तब उतना लीनियर पर्सपेक्टिव बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए एरियल पर्सपेक्टिव बनाया गया। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आवाज कम आ रहा है, मतलब दो तीन लोग का ही आ रहा है। और लोग कंफ्यूज नहीं ना है? नो सर। और देखिए, कभी कभी ये मत सोचिए कि हमको नहीं आ रहा है तो हम नहीं बोले। आपको नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, हम उसके वीडियो भेज देंगे। 11 नंबर है, पर्सपेक्टिव का भेज दीजिएगा ना वीडियो। हाँ ठीक, 11 नंबर में है जो सबसे लास्ट में हम बताएंगे, जिसका होता है प्रोपोर्शन डिजाइन इम्फेसिस बैलेंस हार्मोनी रिदम मास वैल्यू। ये मतलब पूरे ड्राइंग का एक सारांश होता है। प्रोपोर्शन होता है मतलब अनुपात होता है, डिजाइन होता है किसी भी पैटर्न को सही तरीका से अरेंज करना, इसी तरह इम्फेसिस है, बैलेंस है, हारमोनी है। ये भी हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ओवरऑल बहुत कुछ अभी बाकी है। कंपोजिशन के बाद से हम ये 11 नंबर बताएंगे। आगे आता है फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। ये आपको पता है फोरग्राउंड क्या है, मिडिल ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पता है ना? चलिए, जस्ट इसके आगे आएगा फोर्स एंड थ्री हैंड। फोर्स और थ्री हैंड पता है? फोर्स में क्या होता है बताइए लोग। क्या हुआ, सब कुछ बोल रहा था? यस सर। फोर्स में होता क्या है? फोर्स में मतलब ड्राइंग जो हम लोग बनाते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाता है, और फ्री हैंड में जो होता है वो बिना हाथ उठाए हुए बनाते हैं। नहीं, पहले फ्री हैंड समझ लेंगे। फ्री हैंड बनाने का मतलब है कि उसमें किसी तरह का नियम ना हो, किसी तरह का बाहरी लाइन का सहयोग ना हो। जैसे हम पहले लेआउट खींचते थे, लेआउट खींचने के बाद से हम ड्राइंग बनाते थे, यानी कि हम किससे हेल्प ले रहे हैं, तो लेआउट से हेल्प ले रहे हैं। लेकिन फ्री हैंड में क्या होता है ना कि आपको लेआउट नहीं बनाने होते हैं, बस आपको ड्राइंग बना देने होते हैं डायरेक्टली, वो होता है फ्री हैंड। अब समझ में आया सब? हाँ। और दूसरा चीज है फोर्स। फोर्स का मतलब ये होता है, फोर्स का मतलब ये हो गया कि किसी भी लाइन में या फिर किसी भी ड्राइंग में वो फोर्स दिखे। फोर्स मतलब बल होता है। जैसे हम सिंपल लाइन खींचते हैं तो सिंपल लाइन का एक छोर और दूसरा छोर एक बराबर होते हैं, लेकिन फोर्स लाइन में एक छोर मोटा हो सकता है, दूसरा छोर पतला हो सकता है, या एक छोर मोटा हो सकता है, दूसरा छोर भी मोटा हो सकता है, लेकिन बीच का छोर पतला हो सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट पे कैसा प्रकाश आ रहा है, कैसा छाया आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लाइन को खींचते हैं, जिसके वजह से
हमको ड्राइंग में ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, हम कम लाइन से ही अच्छे ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि कम लाइन में ही हम प्रकाश और छाया को दिखला देते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे हम आते हैं 14 नंबर है जिसमें आई लेवल, आई लेवल सबको पता है। यस सर। आई लेवल में होगा क्या? तो एक होता है नजदीक वाले, हाँ बोलो, नजदीक वाले जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बड़े होंगे और जो दूर होंगे वो छोटे होंगे। अच्छा, और कोई बताएगा? जॉली, ये जो तुम बताई हो नजदीक वाले बड़े हो जाएंगे दूर वाले छोटे हो जाएंगे, ये है पर्सपेक्टिव का एग्जांपल, याद आया? और एक ऊपर से देखेंगे तो जैसे पर्सपेक्टिव में एक सेब वाला ड्राइंग है। हाँ, हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। आई लेवल यानी कि अगर हम खड़े हैं या बैठे हैं, यस सर, तो हमारे चेहरे के चेहरे पे जो आंख है वो अगर सामने देखता है तो वो हो जाता है आई लेवल, माने आंख का जो लेवल है, जो आंख का जो हाइट है, उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो कहलाएगा आई लेवल, क्लियर। लेकिन अगर हम बैठे हैं या फिर खड़े हैं और बस अपनी आंखों को ऊपर की तरफ कर रहे हैं और ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ देखना। हम जहां खड़े हैं या जहां बैठे हैं, बस अपनी आंखों को जब नीचे की तरफ करेंगे और नीचे के सरफेस पे, नीचे सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे बिलो द आई, ठीक है। अगर हम जहां खड़े हैं या जहां बैठे हैं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, एकदम जैसे बादलों को हम देख रहे हैं, वो क्या कहा? Above the eye level. Above the eye level. बॉटम व्यू कहलाएगा। Above the eye level कैसे कहलाएगा? हम आंख को ऊपर की तरफ हल्का देख रहे हैं वो above level कहलाएगा, लेकिन हम आसमान में देख रहे हैं ऊपर, यानी कि अगर हम नीचे अगर सोए हैं और सोकर आसमान को देख रहे हैं या नीचे सोए हैं और सोकर अपने छत के रूफ को देख रहे हैं तो वो कहलाएगा बॉटम व्यू, वार्म व्यू या आंट व्यू। बॉटम मतलब पेंदी होता है, वार्म मतलब होता है कि ओवरऑल चारों ओर से मिलाकर किसी चीज को काउंट करना, आंट भी होता है कि एक चींटी जब ऊपर देखती है। तो उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम एकदम नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे हम क्या हो के आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी की तरह उड़ रहे हैं और ऊपर से अपने छत को देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बर्ड आई व्यू। समझ में आया? यस सर। जैसे तुम खड़ी हो yes. और अपने चप्पल को देख रही हो या फिर अपने अंगूठे को देख रही हो तो कौन सा व्यू होगा? बताओ लो कौन सा व्यू होगा? बर्ड आई व्यू होगा। बर्ड आई व्यू। हाँ, अगर तुम खड़ी हो, अपना पैर को तुम आगे कर रही हो और अपने तब पैर के अंगूठे को देख रहे हो तो कौन सा व्यू होगा? बोलो। तुम लोग दिमाग नहीं चला रहे हो? क्या बोले सर, आवाज नहीं आ रही थी। जब हम अपने पैर को देखे रहे हैं और पैर एकदम मेरा सीधा है, पैर के अंगूठे को देख रहे हैं, तो वो व्यू कहलाएगा बर्ड आई व्यू, ठीक है। जैसे हम अपने पैर का एक हिस्सा, मैंने पैर को आगे की तरफ कर ले रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ बड़ा कर ले रहे हैं और तब अपने पैर को देखेंगे तो वो कौन सा व्यू कहलाएगा? चलिए, उसको हम बता रहे हैं बिलो द आई लेवल, वो बिलो द आई लेवल कहलाएगा, ठीक है। तो आई लेवल में कोई समस्या? ठीक है, सभी बोले हैं आई लेवल में कोई दिक्कत?
क्या? अब आगे आते हैं, ये है वेदर स्टडी। वेदर स्टडी मौसम के बारे में जानना है। मौसम के बारे में इसलिए जानकारी रखी जाती है कि जब भी ड्राइंग बनाए तो ऐसा नहीं कि गर्मी के समय में हम ठंडे का कपड़ा पहना दे, या गर्मी के समय में कुछ और वेदर का कपड़ा हम पहना दे, या फिर और वेदर का क्लाइमेट बना दे, वैसा नहीं होना चाहिए। हर मौसम के हिसाब से जो जो क्लाइमेट होते हैं, जो जो हम अपने उस क्लाइमेट से बचने के लिए जो करते हैं, या फिर क्लाइमेट के अनुसार जो कपड़े पहनते हैं, उसको दिखाना होता है, ठीक है। इसलिए वेदर स्टडी को बतलाया जाता है। 16 नंबर में आता है माउंट और क्लाउड। माउंट और क्लाउड का जो शेप होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो एक ही होता है, वो है ट्रायंगल। अब माउंट में क्या होता है ना कि जो ट्रायंगल शेप होता है उसका आउटर लाइन इरेगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो उबड़ खाबड़ की तरफ होते हैं, यानी कि आड़े तिरछे लाइन होते हुए अपने आप को ट्रायंगल बनाते हैं। और ट्रायंगल भी कैसा, जो दोनों साइड से काफी फैले हो और बीच में एक शिखर की तरह चोटी की तरफ ऊपर उभरे हो, वो ट्रायंगल। अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल जो कि दोनों साइड एकदम फैले नहीं हो, कम हो, और शिखर जो है बहुत ऊंचा हो जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा है क्लाउड की बात करें तो ट्रायंगल शेप एक लेंगे और उसमें बहुत सारे बबल्स बना देंगे, सर्कल बना देंगे, यानी कि जो बादल होते हैं एज एक बबल्स की तरह होते हैं, और बहुत सारे बबल्स को क्या करेंगे, शेड कर देंगे, एक साइड लाइट दिखा देंगे, एक साइड हाईलाइट, एक साइड लाइट दिखाएंगे, फिर हाईलाइट दिखाएंगे, और दूसरे साइड शेड दिखा देंगे। याद रहे क्लाउड का कास्ट शेडो नहीं होता है, क्लाउड का कास्ट शेडो नहीं होता, तो सिर्फ शेड दिखाएंगे। हाँ, कास्ट शेडो का कहाँ होगा, तो कास्ट शेडो का जमीन पे होगा। पानी पानी भी रहेगा तो होगा ना सर? क्या पानी भी रहेगा तो, जैसे कि ऊपर है क्लाउड माउंट, हाँ, तो नीचे सर अगर पानी रहता है तो उसमें दिखेगा ना, अगर माउंट ऊपर है तो? माउंट का, माउंट के बारे में बोल रहे हो कि क्लाउड के बारे में बोल रहे हो, या तुम बोल क्या रहे हो? तो पानी में उसका कहाँ शेडो दिखेगा? पानी में क्या दिखेगा? जब जमीन से या फिर पानी के जस्ट किनारे पे अगर पहाड़ रहेगा तो पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसका मिरर इमेज दिखेगा, उसी का प्रतिबिंब दिखेगा। कास्ट शैडो नहीं दिखे, कास्ट शैडो का मतलब परछाई होता है। तुम अपना चेहरा आईना में देखते हो, तुम्हारा परछाई दिखता है? बोलो। नो सर। तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखता है ना, तुम्हारा इमेज दिखता है, उल्टा इमेज दिखता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। जस्ट इसके आगे आते हैं लैंडस्केप, सीएस्केप। तो दोनों को हम सीनरी बोल सकते हैं, सीनरी मतलब होता है दृश्य। लैंडस्केप बनाने के लिए एक चीज बताया गया था, पूरे पेज को हम हाफ डिवाइड करते हैं, फिर उस हाफ डिवाइड के पोर्शन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं, जो कम भाग होता है उसको जमीन बना लेते हैं, या फिर समुंदर या फिर पानी जो भी हो बना सकते हैं, और ऊपर का पार्ट का भाग जो होता है वो आसमान हो जाता है, स्काई हो जाता है, क्योंकि स्काई में ट्री का बहुत सारा पार्ट दिखाना होता है, माउंट का बहुत सारा पार्ट दिखाना होता है, क्लाउड का बहुत सारा पार्ट दिखाना होता है, इसलिए स्काई को हमेशा ज्यादा रखते हैं और जमीन को कम रखते हैं। तो ये लैंडस्केप बनाने का तरीका है। अब जस्ट इसके आगे आता है फ्लावर और लीफ। तो फ्लावर और लीफ का आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ वर्क देंगे और फिर वर्क के बाद से सब कोई बनाएगा। इस फ्लावर और लीफ में आपको शेडिंग फिर से दोबारा समझना होगा, शेडिंग जितना आप अच्छा कर सके इसमें आपको करना होगा। तो स्टार्ट करें। चलिए, सिलेबस इसलिए रिवीजन करा दिए ताकि आपको एक झटके में सारा चीज रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, और जो समस्या हो वो सामने आ जाए। तो देखिए, फ्लावर और लीफ दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड।
सिंपल और कंपाउंड में क्या अंतर है? तो सिंपल मतलब साधारण होता है, कंपाउंड मतलब होता है थोड़े से जटिल, ठीक है। तो वैसे फ्लावर जिसको दो या दो से अधिक भागों में बराबर मात्रा में बांटा जा सकता है उसको बोलते हैं सिंपल फ्लावर, और वैसे फ्लावर जिसको किसी भी अनुपात में नहीं बांटा जा सकता है वो होता है कंपाउंड फ्लावर। कंपाउंड एग्जाम्पल, हाँ। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं लीफ के बारे में, वैसे लीफ जिसको दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं वो होते हैं, या दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं, या जिसके मिडरिब बाद में बताएंगे, मिडरिब और सेकेंडरी मिडरिब एक ही पत्ती में हो उसको सिंपल फ्लावर बोलते हैं, और सिंपल लीफ बोलते हैं। और कंपाउंड लीफ वैसे जिसके मिडरिब एक होता है लेकिन सेकेंडरी मिडरिब बहुत सारे पत्तियों में बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो पहले फ्लावर हम समझ लेंगे, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को हम दो भागों में बांट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक भाग में हम एक पंखुड़ी बना ले रहे हैं, बन गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये और ये हिस्सा बराबर है, बराबर है ना, और फिर इसको हम कट कर रहे हैं, यानी कि ये चारों हिस्सा आपस में बराबर हैं, तो ये सिंपल लीफ सिंपल फ्लावर कहलाएंगे, ठीक है। यस सर। अब उसी तरह लीफ की बात करती है, तो इस पार्ट को बोलेंगे मिडरिब, बीच वाले पार्ट को मिडरिब। और ये आपका सेकेंडरी मिडरिब हो जाता है, ये जो बंद है, तो ये कहलाएंगे सिंपल फ्लावर। अब जस्ट सॉरी सिंपल लीफ। अब जस्ट इसके आगे आएंगे, यानी कि कंपाउंड फ्लावर के बारे में। जैसे ये गेंदे का फूल दिख रहा है, yes, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किसी भी एंगल से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बराबर कटेंगे? नहीं, नहीं कटेंगे। जैसे रोज, इसको अगर किसी भी एंगल से कट करेंगे तो क्या ये बराबर कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हो जाते हैं कंपाउंड फ्लावर। फ्लावर में एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस मतलब होता है फूलों की सजावट। तो फूलों की सजावट कैसी होती है, तो देखिए जैसे कि ये पंखुड़ियां एक दूसरे में एडजस्ट है ना, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये दिख रहा है ना। दूसरा है, एक दूसरे के ऊपर
और एक दूसरे के नीचे। तीसरा है जो रोज का होता है, एक दो के नीचे और एक दो के ऊपर। यहां दिख रहा है एक दो के नीचे और एक दो के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरिसेंस, फूलों की सजावट। यहां पे ये तीनों उदाहरण हैं, जैसे इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो गया। तो सिंपल फ्लावर और कंपाउंड फ्लावर में आप समझ गए? यस सर। अब पत्ते के बारे में आते हैं। तो ये तो सिंपल लीफ हो गया, अब कंपाउंड लीफ में क्या करेंगे? तो ऐसे ही मिड रिब बना लिए और फिर ये सेकेंडरी मिड रिब बना दिए। अब इस सेकेंडरी मिड रिब को एक एक लीफ दे दिए। आप समझ में आया? ये सिंपल और ये कंपाउंड, ये ओवरऑल पूरा एक ही लीफ है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी मिडरिब है ये एक एक पत्तियों को बना चुका है। अब इसके एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल में आप बता सकते हैं? इसके तो एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन इसके एग्जांपल सर सदाबहार का फूल, फूल नहीं पत्ते के बारे में। मेहंदी का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता। हाँ, बेलपत्र का कंपाउंड हो जाएगा। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता नहीं होगा। कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता हो जाएगा। कड़ी पत्ता ऐसे ही ना होता है? यस सर। हाँ कड़ी पत्ता हो जाएगा, नीम का पत्ता हो जाएगा, बबूल के पत्ते हो जाएंगे, इमली के पत्ते हो जाएंगे सर, मेहंदी के भी पत्ते। मेहंदी का पत्ता हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि एक साथ होते हैं कि अलग अलग होते हैं। सर तोड़ के लाएं? हाँ लाके दिखा सकते हो। दूसरा है आपका गुलाब का पत्ता, एक साथ तीन निकलते हैं, यानी कैसे होंगे? और एक इधर, फिर एक इधर, और अगर आप वो क्लिम्बर्स प्लांट की बात करें तो एक और पत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं सेम का पत्ता। सेम एक सब्जी होता है। यस सर, सेम एक सब्जी। हाँ ये रोज का पत्ता हो गया। पपीता का पत्ता आप देखे होंगे, पपीता का पत्ता हो सकता है, यानी कि जिसमें मिड रिब से, एक ही मिड रिब से, यानी कि एक ही मिड रिब से बहुत सारे लीफ निकल जाते हैं, वो एक ही पत्ता होता है और उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। बाकी जिसके मिड रिब से बस ऐसे ही सिंपल पत्ता जो बनते हैं, ये वाले सिंपल जो बनते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। सेम यही कंडीशन फ्लावर का भी है। तो यहां समझने में किसी को समस्या, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। चलिए फिर हम आते हैं फ्लावर पे। अब फ्लावर को थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे। देखिए जितने भी फ्लावर, हाँ तो दिखाओ सबको। दिखा रहे सर, देख नहीं रहा अच्छे से सर। इमेज सेंड कर सर? नहीं 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 ऐसे ही दिखा। नहीं ये नहीं है, ये अलग अलग पत्ते हैं, ये नहीं है। यहाँ सिंपल समझो कि जिसके मीटरी पे एक होता है और उसमें से अलग अलग पत्ते निकलते हैं, ठीक है? यस सर। तो अब हम आते हैं फ्लावर पे।
फ्लावर, बस यही आपको ध्यान रखना है कि सिंपल है कि कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड है तो उसके फ्लोरिसेंस ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। सिंपल है तो उसके फ्लोरिसेंस एकदम सिंपल ऐसे ही होंगे, वो आमने सामने से रहेंगे। शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शेडिंग सबसे पहले सिंपल सिंपल फ्लावर से स्टार्ट हम करेंगे। बनाने का तरीका फ्लावर का यही है कि आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाने हैं पहले, और उसको डिवाइड करने हैं। डिवाइड करने के बाद से हम क्या करते हैं, थोड़े जो हम शेप बनाए थे उसको थोड़ा हल्का इरेज कर दे रहे हैं कि सिर्फ हम ही को शेप दिखे। फिर इसमें जो भी लीफ होंगे इसको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ी। चलिए ये हो गए, इससे भी और हल्के बनाने होंगे आपको। मतलब आपको आउटलाइन नहीं करने, लाइट का डायरेक्शन ये हम दे रहे हैं, थर्ड टोन से हम स्टार्ट किए और फर्स्ट टोन की तरफ हम चले गए। हम स्टिपल भी कर सकते हैं, उसके बाद से हम शेड इसमें करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टोन करेंगे। अच्छा, शेड कैसे कर रहे हैं, तो यहां हम रख रहे हैं और हवा में उछाल दे रहे हैं। ये हो गया स्ट्रेट, ये हो गए कर्व, और ये हो गए इसका अपोजिट कर्व। तो ये आपको करने हैं। कर्व करते करते हम बीच में सीधा कर रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन से कर्व कर रहे हैं, यानी कि पंखुड़ी का डायरेक्शन जैसे होगा वैसे हम इसमें शेड करेंगे। शेड करते हुए आपको हाईलाइट ध्यान में देना होगा, जिधर लाइट ज्यादा आ रहा होगा वहां पे हल्का करना होगा। ऑयल पिस्टल सबको रखा है? यस सर। बढ़िया। ये फ्लावर बताने का यही मकसद है कि आप लोग कुछ ऑयल पिस्टल से भी वर्क कर सकें। चलिए ये हो गया, अब हम क्या करते हैं इसमें थर्ड टोन अप्लाई करते हैं। थर्ड टोन का एरिया बहुत कम होगा। देखिए हम शेडिंग ऐसा कर रहे हैं ताकि हमको पेंसिल का दाग नहीं दिख रहा, यानी कि ऐसे ऐसे टाइप का नहीं दिख रहा, तो ये आपको ध्यान देना होगा।
अब जैसे ये हो जाएगा, हम पेंसिल को थोड़ा सा शार्प करेंगे, पेंसिल का जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम एक एक बीच में लाइन ऐसे दे देंगे। ताकि लीफ का इसमें रिंकल्स पता चले, इस पेटल का। आप ध्यान से देखिएगा तो इस तरह टाइप के होते हैं, ठीक है। ये लीफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि इस साइड कर्व है, बीच में स्ट्रेट है। ये बीच में कॉम्बिंग कर दे रहे हैं, ये हो जाने के बाद से इसका बैकग्राउंड को कलर कर दे रहे हैं ताकि ये फोरग्राउंड अच्छा से दिख सके। ये दिख रहा है? Yes, sir. अब इसको Yes, सीखने sir. के लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा शेडिंग आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे और यहां से हल्का शेड करते हुए इस साइड जाना पड़ेगा, फिर इस साइड शेड करते हुए जैसे ये हो जाता है, फिर इस डायरेक्शन से आपको शेड करने होंगे। जैसे ये हो जाएगा, जस्ट इसके बीच में एक दो लाइन ऐसे ऐसे दिखा देंगे, फिर थोड़ा सा डार्क टोन बढ़ा देंगे इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। पूरा शेडिंग आपका धब्बा नहीं आना चाहिए, ना ही ऐसे लाइन होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लाइन कर दिए फिर इधर से ऐसे ऐसे कर दिए। ये हो गया डार्क शेड। अगर इससे भी आपको हल्का करने हैं तो पेंसिल को एकदम हवा में रखने हैं और हल्के चलाने हैं, और बिना आउटलाइन का भी आप कर सकते हैं। एक साइड में थोड़ा सा टोन बढ़ा दीजिए। दिख रहा? तो आपको ऐसे शेड स्टार्ट करने होंगे। इसमें बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं कैसे फ्लावर वगैरह बनाने हैं, तो अब हम ऑयल पेस्टल से स्टार्ट करेंगे। तब तक सभी क्या करें, थोड़ा सा आप ये शेडिंग करके दिखाएं हमको। सभी ये वाला शेडिंग करके दिखाई, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। शेडिंग करके दिखाइए। Thank you.
वीडियो ऑन कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम देखते भी रहें। सर वो हाथ में पकड़ने पे सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, जैसे जिसको सुविधा हो उस अनुसार करें, और दिक्कत हो रहा है तो आप साइड में कर लीजिए सेलफोन। सर मेरा देखिए, बहुत अच्छा, सर कृतिका का मेरा भी भी ठीक है। देख लीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा और लोग भी दिखा दे फटाफट। देखिए थोड़ा सा हल्का हो गया है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा आउट,
आउटलाइन जो है ना थोड़ा सा रफ थोड़ा हो गया है, और बीच में हाईलाइट और ज्यादा होना चाहिए, खासकर सेकेंड वाला जो काफी हल्का हुआ है। सर मेरा देखिए, ठीक है चलेगा, लेकिन और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा। और किसी का है बना हुआ? कृतिका ऑडियो ऑफ करो। और किसी का है या फिर हम आगे बताएं? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। तो आगे हम फ्लावर बनाते हैं, ठीक है? फ्लावर में सनफ्लावर हम बनाते हैं। ये एक बीच का सर्कल हो गया, ये बाहर का सर्कल हो गया, बहुत सारे पेटल्स इसके बन रहे हैं। ड्राइंग दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। अब देखिए ये फ्लावर का फ्रंट व्यू है, ठीक है? अगर इसी फ्लावर का सेमी साइड व्यू होगा, यानी कि थोड़ा सा ऐसे होगा, तो ये कैसे दिखेगा? तो यहाँ हम छोटा सा आइडिया दे दे रहे हैं। बीच का जो सेंटर होगा वो इधर चला जाएगा। दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। अगर इसी का ठीक अपोजिट इस डायरेक्शन में हो तो कैसे दिखेगा? बीच का सेंटर इधर चला जाएगा। अच्छा, बीच का सेंटर हम साइड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्सपेक्टिव के अनुसार जो पास होता है वो बड़ा दिखता है, जो दूर जाता है वो छोटा हो जाता है। तो ये एरिया पास है, यानी कि ये एरिया हमारे पास है और ये एरिया मेरा थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए ये एरिया कम दिख रहा है और ये एरिया ज्यादा दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान के चले कोई फ्लावर जो है जो उस पार हो और उसको पीछे से हम देख रहे हैं, तो उसका ऐसे बनेगा। देखिएगा ध्यान से ये वाला। तो ये वीडियो धुंधला दिख रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? सबको क्लियर आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा इसलिए तुम्हारा वो नहीं आ रहा।
ये दिख रहा है, ये जस्ट इसके पीछे वाला पोर्शन है, पीछे का पार्ट है, और पीछे से हम फ्लावर का ये पार्ट देख रहे हैं। तो ये हम इसलिए दिए ताकि वर्क जो देंगे वो हो सकता है किस टाइप का हो और उसमें कलरिंग करना हो, उसमें शेडिंग करना हो। देखिए जो भी हम वर्क देंगे पहले आपको उसमें शेडिंग करने हैं अच्छे से, शेडिंग करने के बाद से आपको अच्छे से कलरिंग करने हैं। देखिए हम दो कलर ले रहे हैं, दो कलर ले रहे हैं, एक है लेमन येलो और एक है ये क्रोम येलो और एक है ये डीप येलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, लेमन येलो से हम कलर कर रहे हैं। हम क्या करें ना, ओवरऑल सारा कलर कर लेते हैं। बीच में कहीं कहीं दूसरे कलर का इसमें पार्ट है तो कहीं कहीं ये घिस जा रहा है, उसको आप लोग इग्नोर कर लेंगे। चलिए ये हो गया, अब ले रहे हैं ये वाला डीप येलो। तो अब हम शेप दे रहे हैं इसका, इसको भी हम क्या करते हैं हर जगह लगा देते हैं। अब ये हम लिए हैं डीप येलो और जो इसका जो बैकग्राउंड में जो लिफ था पहले उसको हम करेंगे। ये कलर थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए चल नहीं रहा ज्यादा, कुछ दूसरे कलर लेने होंगे। चलिए कलर अभी दिख नहीं रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज कर ले रहे हैं।
आप लोग के ऑयल पिस्टल के एक डब्बे में, उस डब्बे में स्क्रैपर मिला होगा खरोचने के लिए। यस सर। यस सर। उसमें इसका काम आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक लीफ को हम वैसे ही शेडिंग कर रहे हैं जैसे हम पेंसिल से बताएं। ये हो जाने के बाद से आप ऑरेंज लेंगे और इसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। अच्छा, जो भी आप कलर ले रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एक कलर सेंस होना चाहिए कि कौन सा कलर हम किस ऑब्जेक्ट के लिए लें और कौन से कलर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा। और ये तभी संभव होगा जब बहुत सारे आप कलर को बर्बाद करेंगे। तो ये दिमाग में कभी नहीं रखना है कि हम जो भी बनाए परफेक्ट बन जाए। आपसे परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उसमें आपको सीखने को बहुत मिले ये सोचना है। अभी हम थोड़ा सा ब्लैक लिए। पुराने कलर में समस्या होता है ना कि कोई कोई कलर बहुत अच्छा चलता है, जैसे ब्लैक अभी चल रहा है बहुत अच्छा और कुछ कलर नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप जब भी कलर लीजिएगा तो नया लीजिएगा। ये हो जाने के बाद से आप इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर सकते हैं। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नो सर। अभी हम एक लाइट कलर ले रहे हैं ऑकर येलो टाइप से और एक साइड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। ताकि थोड़ा सा लाइट दिखे। अब हमको लेना है स्क्रैपर, तो स्क्रैपर कहीं मेरा रखा गया है, तो एक लेते हैं हम। ये स्पून है और इस डायरेक्शन से हम ऐसे ऐसे लाइन कर रहे हैं कॉम्बिंग। फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं।
इसके बैकग्राउंड में हम येलो का टच लगाए थे, आपको याद है? Yes, जो ये कलर से ऐसे ऐसे अंदर की तरफ किए थे और इसके ऊपर ब्राउन फिर ब्लैक लगाए थे। तो जब हम ब्राउन ब्लैक ऊपर से लगा दिए और फिर इसको जब हटा रहे तो ब्राउन और ब्लैक ही हटेगा और येलो दिखेगा, क्योंकि येलो जो है वो पेज से टच है तो वो छूटेगा नहीं, लेकिन ब्राउन और ब्लैक येलो से टच है इसलिए आसानी से वो छूट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसको कौन सा टेक्निक बोलेंगे? याद है कुछ? आप लोग को सिखाया हुआ सब पानी में चला जाता है ना? इसको नहीं बताए हैं? हाँ? नहीं बताए हैं सर, बताए हैं। क्या, कब बताए हैं? बताइए कब बताए हैं? डायरेक्ट क्लियर बोलिए कि नहीं पता है सर, नहीं बताए हैं, ताकि आप आगे की चीज में आप समझ पाए, ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में आपका दिमाग रहे और हम यहाँ बहुत चीज बता दें। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, क्लियर कट बात कीजिए कभी भी कहीं भी। नहीं पता है? नहीं सर। शेडिंग के दौरान एक टर्म बताए थे, स्मडिंग और स्क्रबिंग। पहले वाला जो किए वो स्मड किए थे और अब स्क्रब कर रहे हैं, खरोच रहे हैं। अब याद आ गया? यस सर। येलो कैसे दिख रहा है बताइए? सर फर्स्ट में येलो कलर किए थे इसकी वजह। हाँ, फर्स्ट में येलो कलर किए थे इसलिए ये चीज दिख रहा है। तो यहाँ पे येलो हाईलाइट के फॉर्म में आ गया और जो हम स्क्रब कर रहे हैं एज ए शेडिंग के फॉर्म में भी आ गया। ऑयल पेस्टल में ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम इसके ऊपर इस तरह के लाइट कलर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए बैकग्राउंड को ही हम दिखा देते हैं स्क्रबिंग टेक्निक से। अब थोड़ा सा इसे फाइन कर लेंगे।
चलिए अब बन जाएगा ये। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम शेडिंग करें फ्लावर में, फिर उसके बाद से दूसरे फेज में ऑयल पेस्टल से बनाएं। मैंने एक ही चीज को दो बार आपको बनाना है, एक शेडिंग से बनाना है और दूसरा ड्राइंग करके आपको ऑयल पेस्टल से बनाने हैं। शेडिंग वाले पहले आपको ग्रुप में दिखा देने हैं कि सर कैसा बनाया है, उसमें जो प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे, तब फाइनल आपको कलर से बनाने हैं। मतलब कोशिश ये करना है कि फ्लावर आपको खत्म कर लेने हैं कलर से भी और शेडिंग से भी, और एक एक आप लोग पेंटिंग भी बना लेंगे बड़े चार्ट पेपर पे, जिसको आप फ्रेम भी करा सके उस टाइप से। ओके सर। और सभी कोशिश ये करें कि जो आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं, जो उसमें सुपीरियर बन रहा है, उसको सेल आउट करने का भी सोचें।